सपा बसपा गठबंधन के 6 घंटे बाद ही आई सबसे बड़ी खबर। लंबे अरसे से मीडिया और सियासी गलियारों में सुर्खियां बटो रहा सपा बसपा सीटों का गठबंधन आखिरकार जमीन पर उतर ही गया। मायावती और अखिलेश यादव ने लखनऊ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन का ऐलान कर दिया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में दोनों के साथ आने की खबर से देश प्रदेश की सियासत गरमा गई है। गठबंधन से जहां पूरे देश और यूपी के सियासी गलियारों में हलचल दिख रही है, वहीं मऊ में दोनों पार्टियों के स्थानीय नेताओं ने चुप्पी साधी रखी है। गठबंधन होने के पहले तक दोनों पार्टियों के नेता लोकसभा के लिए अपने अपने स्तर पर टिकट मिलने का दावा कर चुनाव की तैयारी कर रहे थे। गठबंधन का ऐलान होने के बाद दोनों पार्टियों के कई सक्रिय नेताओं की राजनीतिक करियर को झटका लगा है। लंबे समय से चुनाव की तैयारी में जुटे दिग्गज नेताओं की दोषी लोकसभा के पूर्व सपा प्रत्याशी राजू राय ने जिले में दौरा बढ़ा दिया था। वह इस तरह से जनपद में सक्रिय थे जैसे बस उनका नाम तय हो गया हो और बस ऐलान बाकी हो। लगातार विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते रहे। अब गठबंधन होने से उनके अरमानों पर पानी फिरता दिख रहा है। सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष अल्ताफ अंसारी ने गठबंधन के सवाल पर कहा कि वह अपने शीर्ष नेतृत्व पर भरोसा रखते हैं, जो भी निर्णय हुआ है हम उनके साथ हैं और चुनाव में पूरी जान लगा देंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से कई दिग्गज नेता टिकट की दावेदारी में थे, जो चुनाव तैयारी में लगे हुए थे, लेकिन अब उनकी तैयारी पर विराम लग चुका है। बसपा जिला अध्यक्ष राजीव कुमार से गठबंधन को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने भी बहन जी के निर्णय को सौ परी बताने में देर नहीं की। दोषी लोकसभा सीट जिस भी पार्टी के खाते में जाएगी उसे जिताने का काम किया जाएगा। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है कमेंट कर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।